भाई मूवी तो एक नंबर थी। बाप कौन ने इसमें तो बता ही दिया मूवी के अंदर की, क्योंकि बेटे और बाप की कहानी बताई थी ना, मतलब काफी जबरदस्त मूवी है। कौन बाप है कौन बेटा? अरे भैया वो तो फिल्म देख के आगे तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को, तो वैसे ही फिल्म जो पाकिस्तानी अगर मूवी को देख लेंगे ना तो भाई मेरे लगता है सीट छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि उनसे झेल नहीं जाएगी इतनी रियलिटी। बाकी सच्चाई आजकल पाकिस्तान से झेली कर जा रही है, बाकी अच्छी मूवी है। ऋतिक दीपिका मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जबरदस्त काम लगा है तो मेरे को ऋतिक रोशन का, काफ़ी समय के बाद देखने के लिए मिले, क्योंकि इससे पहले मेरे को बार मूवी में उनका एक्शन देखने के लिए मिलता, बाकी इस फिल्म में इमोशनल वाले सीन्स वगैरह और दीपिका के मतलब सब दोनों की जोड़ी काफ़ी जबरदस्त जमी है। वॉर से कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है उससे भी अच्छी है? वॉर से भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर मालूम है जो रियलिटी हुई ना अपने जवानों के साथ जो धोखा वगैरह किया है, तो बाकी उसका पूरा बताया है कैसे जवान मारे गए और फिर कैसे अपन ने स्ट्राइक करी उन पर जाके पाकिस्तान पर अटैक करते अपन लोग फिर घुस के मारते, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ओवरऑल पसंद आएगी? ओवरऑल बिल्कुल पसंद आएगी पब्लिक को, पब्लिक मेरे हिसाब से देख के आएगी, 3D में देख के आएगी पब्लिक को और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सीन्स वगैरह बताए हैं फाइटर राइटर के मतलब काफ़ी ज़बरदस्त सीन लगते हैं, मतलब 3D में तो ऐसा लगता है रियलिटी में अपन देख रहे हैं, और काफ़ी कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि इमोशनल टाइप के हो जाते थोड़े बहुत जवान वगैरह मारे जाते हैं, तो इमोशनल भी करती है मूवी। और वहाँ पे ऋतिक रोशन को भी इमोशनल वाले रोल में देखेंगे तो आपको सच में आंखों में से आंसू आएंगे, काफ़ी अच्छी। सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? मेरे को सबसे अच्छा काम लगा ऋतिक रोशन का, काफ़ी जबरदस्त काम लगा, और अनिल कपूर का, दोनों काम मेरे को काफ़ी जबरदस्त लगा है, और हीरोइन भी इसमें काफ़ी अच्छी लगी मेरे को दीपिका। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा था सेकंड हाफ? मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में तो स्टोरी, मगर सेकंड हाफ काफ़ी तगड़ा है, मतलब ऐसा है कि आप हिलने का मौका ही नहीं मिलेगा, काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी एक्शन वगैरह होता है, मतलब जहाँ बम वगैरह मतलब अच्छा ही, मतलब पब्लिक को कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा चलेगी, काफ़ी ज़्यादा चलेगी। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, रिकमेंड करेंगे? मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि देख के आए कैसे क्या पुलवामा अटैक वगैरह जो भी हुए, मतलब बाप और बेटे कौन बाप है कौन बेटा ये पब्लिक देख के आएगी तो खुद ही बता लेगी, बाकी इस मूवी के अंदर एक्शन काफी। 5 में तो 5 स्टार दूंगा इस मूवी को।